ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ओ क्या, हाँ शेरियर भाई अंदर आए ना यार, हाँ अंदर आए अंदर अंदर। तो यार शेरियर भाई भी गैर जिम्मेदार हो गए, क्या कहूँ, आए आए हैदर। शेरियर भाई यार, शेरियर भाई कहाँ रह गए थे आप भाई, क्लाइंट के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, परेशान है, माल नहीं पहुँच रहा, मलिक साहब का आ गया, शबीर भाई का आ गया, वैसे सब गुस्से में, कहाँ पहुँचा रहे हो बाल। जानी भाई वो तो अशरफ भाई लेके गए हैं, मैंने तो नहीं पहुंचाया यार। एक तो मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ, आप किसी और को जिम्मेदारी दे देते हैं, सारे मुझे फिर बातें सुननी पड़ जाती है, चेक करे कहाँ है वो माल। जानी भाई आप खुद कॉल करके पूछ लो, मुझे तो नहीं पता है। अच्छा मैं पता करता हूँ, जाओ जरा देखो उसको। जी अल्लाह जी क्या मसला हो गया है, अजीब परेशानी। जी 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 सर जी जी हाँ हाँ जी जी कैसे हैं, आपको भी माल नहीं पहुंचा। मैं सर नहीं सर आराम से सर मैं पूछ मैं अभी मैं देख के बताता हूँ। जी 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 किधर है सारे लोग, किधर चला गया, मैं तो देख देख के था। अरे सॉरी पापा मैं जल्दी में थी, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता कि तुम मेरे को देखो। ऐसा क्यों? अच्छा ये बताने का तुम जा किधर है? वो मैं ऑफिस जा रही थी। क्या नहीं ऑफिस नहीं जाने का? अरे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपको तो मालूम ही नहीं होगा, तीन चार दिन से जितने भी ऑर्डर्स है ना किसी की भी डिलीवरी नहीं हुई। मालूम है मेरे को, मालूम है। आपको कैसे मालूम है? यूनियन लेबर वालों ने आधी दूध की सप्लाई रोक दी है। क्यों? वो कहते हमारी मांगे पूरी करने का। तो क्या मांगे उनकी? सारे मजदूर जो है वो तनख्वाह बढ़ाने को कहते ना। अरे अभी 6 महीने पहले तो बढ़ाई थी। वो कहते हैं कि जी रोज महंगाई होती जा रही है तो हमारा तनख्वाह भी बढ़ाने का। पापा ये क्या जहालत वाली बातें हैं? क्या कर सकते बेटा अब तो ये हो रहा है ना। छोड़े मैं अभी जागरण का दिमाग ठीक करती हूँ। नहीं जाने का उधर, वो लोग यूनियन वालों ने गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी है ना। क्या गुंडागर्दी? पापा मुझे ना घर में कुछ काम है, मैं पहले वो निपटा लूं फिर निपटती हूँ इनसे। अब ये जो धमकी आई है इसकी वजह से घर के काम करने लगे तुम, वेरी गुड। जानी जानी। जी 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 मैडम आ गया जी। जानी ये चाय बनाई है कि करेले का रस? मैंने तो चाय बनाई थी, आपके मुंह से लग के करेले का रस बन गया तो अलग बात है। इतना दूध कम जाला है, पति जाल के इसको सारा काला कर दिया है। आपको शायद मालूम नहीं है दूध की होगी शॉर्टेज, क्लाइंट को भी नहीं मिल रहा और घर में बस थोड़ा सा बचा था तो अब मैं जरा किफायत छारी कर रहा हूँ। पापा मेरे को नहीं पता दूध जाल क्या चीज थी, दूध पति चाय बना के दो मेरे को। क्या हो गया पापा क्या हो गया? अदा देखे ना मुझे कह रहे दूध की शूटिंग होने वाली है। अरे भाई शूटिंग नहीं शॉर्टेज, किल्लत किल्लत। हाँ ठीक है वही वही भाई वही बोल रही हूँ। अरे बाबा कैसी बातें करता है जानी, तुम कड़वी चाय क्यों पिला रहा है? ये दुनिया खत्म हो सकती है, इस दुनिया से पानी खत्म हो सकता है, बाबा मैं बताऊँ तुम भी खत्म हो सकता है, लेकिन हमारे होते हुए दूध नहीं खत्म हो सकता। बच्चू भाई सिर्फ अब ये बातें रह गई हैं, क्लाइंट तक दूध पहुंच ही नहीं रहा। बाबा ऐसा क्या हुआ है बताओ मुझे। मुझे क्या पता, उनके फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह तौबा तौबा तौबा, अल्लाह आपको भी दिखवाए और सुनवाए। अल्लाह माफ करे बाबा, ये तुम्हारी कोई हरकत होगी बाबा, कहीं और बेच रहा है तुम दूध। चल मैं इस तरह की बातें मैं सुनना पसंद करता नहीं हूँ। जाओ बाबा तुमने किया होगा कुछ ना कुछ, गबन बात करता है। आदि तू यही चाय पी ले फिलहाल, हो सकता है मसला हो बेचारे के साथ, सच कह रहा हूँ। खुद पी के देखो तेरी कड़वी, मैं नहीं पीती भाई। मैं नहीं पीता बाबा, तू पी तू पी। मेरे ख्याल से ना बच्चू भाई को सारी बात बता देनी चाहिए। वो क्या कर लेंगे? कभी कभी बंजर जमीन से भी फसल उग जाती है, हो सकता है बच्चू भाई के पास भी कोई अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन मुझे तो मुश्किल लगता है। अरे बाबा सीमा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे क्या पता आप क्या सुन रहे हैं? अरे बाबा मैं दूध की किल्लत के बारे में बात कर रहा हूँ। इधर बैठे मैं आपको बताता हूँ, बैठे बैठे। असल में हुआ ये है कि जो मजदूर है ना उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए दूध की प्रोडक्शन आधी कर दी है, समझे, हड़ताल।
ऊपर से जो लेबर यूनियन वाले इन्होंने अपनी बदमाशी शुरू कर दी। अरे बाबा, इसीलिए मैं पहले भी कहता था और अब भी कहता हूँ बाबा, ये बंद करो डब्बे का काम। बाबा खुला दूध बेचेंगे, हमारे बंदे घर घर जाकर दूध बेचेंगे, ना हड़ताल होगी ना कोई मसला होगा, समझो बात मेरी। बच्चू छोड़ो ये सब बातें, अभी आगे का हल बताओ। अरे बाबा हल क्या निकालना है, बुला उनको, बात करता हूँ, मानते हैं ठीक है, नहीं तो बंद करके खुले दूध का काम शुरू करते हैं। बुलाने की क्या जरूरत है, मैं एक मिनट कॉल कर लेता हूँ। हाँ कॉल करता हूँ मैं उनको जी। तो बाबा, हाँ बाबा क्या हाल है, सब ठीक है ना? हाँ बाबा, अब्बा को सलाम बोलना, अम्मा को भी सलाम। शिदारी थोड़ी करनी जी भाई। जी 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 जी, मेरी बात होगी, हाँ मीटिंग हो गई थी मेरी बड़े मालिक से, उन्होंने कहा है जितनी भी आपकी मांगे हैं ना वो कबूल नहीं है, पहले आप दूध की प्रोडक्शन शुरू करें, हड़ताल खत्म करें, फिर होगी बात। अरे भाई मालिक हैं वो आखिर, अरे भाई 91% के मालिक हैं, शेयर होल्डर के मालिक हैं। हाँ मालिक ही हुए ना, उनका फैसला हतम ही फैसला होता है। हेलो, हाँ बाबा मालिक बोल रहा हूँ, बाबा बड़ा वाला मालिक। हाँ बाबा कोई मसला है तो बताओ, मुझे बताओ मसला है तो। बस तो ठीक है, तो बात तब होगी जब काम स्टार्ट होगा, बात हो गई तय, ठीक है। अल्लाह बाबा, हाँ बाबा ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला हो मुझे बताओ बाबा, मैं सब सुन लूंगा। बोलो बाबा जवाब दो, बोलते क्यों नहीं हो। हेलो हेलो हेलो, क्या है? लाइन कट चुकी, लाइन कट गई है। हाँ बाबा मुझे पता है, मुझे मत समझाओ, मैं बड़ा मालिक हूँ, बात करता है। वैसे जानी आधी प्रोडक्शन तो चल रही है ना, कॉर्पोरेट लेवल पे तो डिलीवरी चल रही है दूध की। अरे भाई मेरे क्लाइंट के ऑर्डर का क्या होगा? तुम घूम फिर के एक ही बात में क्यों आ जाते हो? मैं क्यों ना घूम फिर के आऊं, मेरे पिछले महीने की तनख्वाह और इस महीने के घूम जाने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, घूम फिर के मैं यहाँ तो आऊंगा ना। खामोश जानी, जुबान कम चलो और काम पे फोकस करो। अच्छा मैं करता हूँ। अबे यार ये लोग इस तरह नहीं मानेंगे, चल भाई तू तो उठ। भाई मैं तो कह रहा हूँ प्रोडक्शन ही बंद करा दो। अबे प्रोडक्शन बंद करवा दो, ये सारे मजदूरों को पता लग जाएगा, हमने अपने पैसे निकलवाने हैं। तो क्या तुमने अपनी कोई डिमांड रखी अभी तक या नहीं? अबे यार डिमांड उनका तमाद है ना, वो बीच में आ गया, मुझे नहीं लगता वो कोई डिमांड शिमांड मानेगा। भाई कोशिश तो करो, उनको बोलो कि हम फिल वक्त मजदूरों की तमाम डिमांड्स को ठंडी करा देंगे, बस आप हमें 2 करोड़ रुपए दे दें यार। 2 करोड़ रुपया दे दें हमें, अबे कोई फायदा नहीं है इसका, वो जो दामाद है ना उनका, वो कोई बड़ी साला कोई टेढ़ी खीर लगता है मुझको, कुछ और सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कुछ। सोच सोच ले भाई, सोच ले तू, तू आराम से सोच, मुझे पता है तू कोई ना कोई हल निकाल लेगा मेरे भाई। इसका मतलब है कि अपन लोग गांव जा रहे हैं। किसका मतलब है? अरे बाबा जब काम कारोबार बंद हो जाएगा तो अपन लोग क्या यहाँ आम बेचेंगे? आजाद सी बात है, फिर तुमको भी हमारे साथ गांव चलना पड़ेगा। हेलो, कोई कारोबार बंद नहीं हो रहा है। अदा तुम तो कह रहे थे कि। हाँ बाबा मैं नहीं कहा था, लेकिन ये भी तो सोचो ना, इतना बड़ा कारोबार अचानक से बंद करना समझदारी तो नहीं है ना, कोई हल निकालना पड़ेगा। तो बच्चू कोई हल निकालो ना, ऐसे तो हमारे सारे क्लाइंट एक एक करके चले जाएंगे। हाँ बाबा ये भी जी जी, हाँ हाँ है, मालकान बैठे मेरे सामने, कहें तो मैं इनको फोन दे देता हूँ या स्पीकर ऑन कर दूँ। क्या मैं बोल दूँ? नहीं सर मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरी तो 2 महीने की तनख्वाह रुक जाएगी। अच्छा चले ठीक है ओके। जानी
अब तुम किसी क्लाइंट का फोन ही मत उठाना। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर इस तरह किया तो मार्केट में तो हम बदनाम हो जाएंगे, बल्कि पक्के चोर कहलाएंगे। भाई इतनी मेहनत के साथ ये कारोबार सेट किया है, इस तरह तो बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर तुम भी बताओ कि क्या करें। अरे गरीबों का ख्याल रखें, जिनकी तनख्वाहें रुकी हुई ना फौरन उनकी तनख्वाहें दे दें। उनके दिल से निकली हुई दुआ जब अर्श पे पहुंचेगी ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अरे बाबा जानी बकवास नहीं करो बाबा, क्या बात करता है, दिमाग खराब नहीं करो, वैसे दिमाग खराब हुआ। एक काम करो तुम जाओ गाड़ी निकालो। बाबा तुमने जाने का फैसला कर लिया? हाँ बाबा। फिर मैं भला अपना सामान रख लूं? अरे बाबा तेरा क्या काम उधर? अरे बाबा गांव जा रहे तो मैं भी तो गांव से हूँ। अरे चरी गांव नहीं जा रहा हूँ बाबा, वो मैं वो खपले दूध वाले नहीं है, उनसे मिलने जा रहा हूँ बाबा। ये क्या कह रहे हैं बच्चू, कहाँ टेट्रा पैक और कहाँ खुले दूध का कारोबार, आप तो पक्के दूध वाला बनना चाहते हैं। अरे बेगम कैसी बातें करती हो बाबा, ये जानी ने कपड़े पहने हैं, ये भी इंसान कहलाता है, मैंने भी पहने, मैं भी इंसान कहलाऊंगा बाबा। इसी तरीके से आपके कहने का मतलब है कि जो टेट्रा पैक में बेचते हैं दूध वो दूध वाले नहीं है, और जो खुला दूध बेचते हैं वो दूध वाले। अरे बाबा दोनों ही दूध बेचते हैं ना। चलो बाबा जानी चलो गाड़ी निकालो बाबा, चले 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 आए आए आए। देखा मेरा आधा कितना होशियार हो गया, तुम बड़ों को भी चुप करा दिया। यहाँ कारोबार बंद हो रहा है, तुम्हें हंसने की पड़ी हुई है। लो बला हमको इतना गम करने की क्या जरूरत है, हम खानदानी रईस लोग हैं बाबा, हम लोगों की अपनी जाति बाड़े बाड़े। अरे कहाँ रह गया शहरयार, अब गाड़ी भी मुझे खुद चलानी पड़ेगी। ओह बच्चू भाई भी आ गए, शहरयार का पता नहीं सुस्त आदमी मिल गया मैं। अबे इस घर में से दो लोग बाहर निकले, लेकिन इनमें से दामाद है कौन सा? एक ने सूट पहने, दूसरा मेला से आम सा शलवार कमीज पहना और सर पे कपड़ा बांधा हुआ है। लेकिन इनमें से दामाद कौन सा है? अबे बेवकूफ, सूट वाला और कौन, वो दूसरा नौकर तुझे दामाद लगता है? हाँ हाँ सही है सही है। बॉस मैं दोनों की तस्वीर भेज रहा हूँ, आप दोनों में से देख के बताएं कौन नौकर और कौन दामाद है। वे यार पागल है क्या ये? रुक जरा। अबे जाहिलों तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तो हुलिया देखो उन दोनों का, वो दूसरे वाला है दामाद, दूसरे वाला वो कोट वोट में है जो वो। और मेरी बात सुनो, ये कोई पूछने वाली बात नहीं थी, अब तक काम हो जाना चाहिए था। काम होने से पहले अब मुझे फोन मत करना तुम, समझ आई? जल्दी करो। क्या हुआ? क्या हुआ? अबे काम का क्या हुआ? मैं फारसी बोल रहा था क्या? इसका मतलब है कि मुझे फारसी भी समझ में आती है। यार किन बेवकूफों में फंस गया हूँ यार मैं। भाई नहीं हुआ काम, नहीं हुआ, होने वाला होने वाला, रिलैक्स कर। अबे ऐसी बात की तो टेंशन है मुझे। अच्छा सही है, इतनी टेंशन ना ले, कह रहा हूँ ना होने वाला है, रिलैक्स। ठीक है ठीक। अरे बाबा रुको, वो देखो वो बंदा खड़ा है ना बाबा, वो दूध वाला है। अच्छा। मैं जरा उससे तफसील लेकर आया। चलो ठीक है बाबा। हाँ अभी आ। हाँ बाबा जानी, चलो बाबा चले, देर हो गई है। अरे बाबा जानी किधर गया है? जानी जानी ओ जानी, अरे ये किधर चला गया है? अरे बाबा घर के अंदर तो नहीं चला गया दोबारा? ओ जानी, हेलो दामाद मेरा, क्या 2 करोड़ 2 टके का आदमी नहीं, मेरा मतलब है 2 करोड़, ये क्या बोल रहे? तो मेरी बात तो सुनने का, मेरा बात, अरे क्या हो रहा है, ये कौन बोल रहा है? ये क्या हुआ पापा? बच्ची को किसी ने अगवा कर ली, 2 करोड़ मांग रहे हैं। लेकिन पापा किसका फोन था, क्या कह रहा था वो? मेरी उसे अकेले में बात नहीं हुआ, जो बात हुआ तुम्हारे सामने हुआ ना, 2 करोड़ मांग रहे ना, 2 करोड़। आप बोला उसे कोई डिस्काउंट की बात तो करो ना। ये कोई कपड़े का ठान है जो डिस्काउंट का बात करेगा?
बच्चों देखो मेरा दामाद को कितना याद आ रहा है, अरे जगह नजर आ रहा है। बच्चों आप तो वो फोन पे, क्या फोन पे बाबा, एक तो ये जानी का बच्चा पता नहीं किधर मर गया, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, गायब है। जारी तो अंदर आया नहीं है, इसका मतलब ये है कि हेलो क्या, ओ अंकल इजी ले रहे हो, अच्छा मार दूं, यही मार दूंगा, यही काट दूंगा, लाश भी नहीं भेजूंगा उसकी, समझ आ रही है, सोच लो एक दफा फिर। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा, कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आए मेरा जानी बेचारा अगवा हो गया, अब मेरा मतलब है कि हमारा नौकर जानी अगवा हो गया, अब भला घर के काम कौन करेगा। अरे बाबा मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये काम किया किसने है। अगर तुम पूछ रहे हैं ना तो मेरे को इतना मालूम है जितना तुमको पता है। मेरे ख्याल से ना हमें पुलिस में इत्तला कर देनी चाहिए। खामोशी बेहतर है इल्ले बोलने का इल्ले। लेकिन पापा हम इसे हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकते ना। 2 करोड़ किधर से लाएगा, 2 करोड़ तो मेरे पास है ही नहीं, अगर बच्चू कुछ कर देते ना तो फिर हम भी कुछ कर देगा। अरे बाबा क्या बात करते हैं, ये 2 पकौड़े थोड़ी है, 2 करोड़ की बात है, मेरे पास इतना पैसा कहाँ। जानिए अगर मेरे साथ शादी कर लेता तो मेरे पापा साहब अपने दामाद को बचाने के लिए 2 करोड़ जरूर देते। बच्चू मेरा ख्याल है जानी को वहीं रहने देते हैं। हाँ बाबा ठीक है। अरे फोन आया बाबा किसी का। हेलो मार दो उसको, मार दो। नहीं 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 2 करोड़ हमारे पास तो 2 रुपया नहीं है जो तुम 2 करोड़ का बात कर रहे जी। जो करना करो उसके साथ, दामाद हमारा नहीं है, जो मर्जी करो, 2 करोड़ उसका टुकड़ा भेजो टुकड़ा। चलो अगली बात कोई करने का नहीं है, बंद करो फोन को, बंद कर, पहले तू कर, मैं क्यों करेगा। ओके गदाफेसर 2 करोड़ पागल लगे। चलो बाबा एक काम करो, नया मैनेजर ढूंढो। लेकिन देखो कोई भी रखे तो थोड़ा सा खूबसूरत और स्मार्ट होना चाहिए। रीनो क्या बात, भाई मैं इतनी देर से कुछ बताना चाह रहा हूँ लेकिन तुम लोग सुन ही नहीं रहे। अरे चुप कर, तेरी तेरे घर वाले नहीं सुनते, हम क्या खान सुनेंगे तेरी। और ये किस किस्म का सुसर रखा हुआ है तुमने, तेरी जान बचाने के लिए 200 रुपए नहीं है उसके पास, और तेरी बीवी, बीवी तो तेरी बिल्कुल फारे। भाई बहुत ही कच्चे खिलाड़ी लग रहे हो, मैं उनका दामाद नहीं हूँ, मैं नौकर हूँ। क्या कह रहा है? अबे झूठ बोल रहा है ये, पक्का झूठा है ये। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं आधी पतलून के साथ तुझे बिजनेसमैन लग रहा हूँ क्या, टाइकून लग रहा हूँ क्या है? 2 महीने से मेरी तनख्वाह भी नहीं दी उन लोगों ने, और घर के काम भी मैं करता हूँ और बाहर के काम भी मैं करता हूँ। अबे क्या दफ्तर के काम भी तू ही देखता है? हाँ सारे क्लाइंट मैं बनाता हूँ और उनकी बातें भी मैं सुनता हूँ, और इसके अलावा अब जो हड़ताल हुई उस वजह से अलग परेशानी है भैया, और ऊपर से तुम लोग। ये कुछ नए सीवीज आए मैनेजर के। अरे बाबा पहले घर के लिए नौकर ढूंढो। नहीं पहले मैनेजर। नहीं बाबा पहले नौकर। लड़ने का जरूरत नहीं है, जानी की जगह जो भी आएगा ना उसको रख लेने का। हाँ ठीक है मैं कॉल करती हूँ। करो। लेकिन कॉल करने का फायदा, आधी प्रोडक्शन तो बंद है। अरे बाबा तो क्या घर की प्रोडक्शन भी बंद पड़ी है, अब घर पे काम कौन करेगा, फैक्ट्री में तो फिर आधा काम चल रहा है आधा बंद है। ठीक बोला इसे, कॉल मिलाने का। ठीक है बाबा मैं करती हूँ कॉल। मैडम अब कॉल मिलाने की कोई जरूरत नहीं। जानी तुम आ गए? आ गया, अब किसी को बुलाने का जरूरत नहीं है। मुझे जानी अच्छी है। तुम दोनों इसके साथ क्या कर रहे हो जी? अरे बाबा जानी ये तुम्हारे साथ लोग कौन है? ये है वो यूनियन लीडर बदमाश और सारे इसके चेले जी। ना 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 सेठ अशमत नहीं। अरे बाबा जानी तुम पागल है क्या, पापा जानी से बात कर रहा है। बच्चू सेठ अब तो मैं ऐसे ही बात करूंगा, और अब से ये यूनियन लीडर नहीं मैं हूं यूनियन लीडर, और वाकई
आपको अब मेरी जगह किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आधा कारोबार बंद था, अब पूरा कारोबार बंद होगा। गरीबों की और मजदूरों की मांगे और तनख्वाही बढ़ाई जाएंगी और वक्त पे दी जाएंगी। अगर आपको ये बात मंजूर है तो ठीक है, वरना आज से कारोबार बंद। हमारा लीडर कैसा हो? धनी भाई कैसा हो? सुर में थोड़ा। हमारा लीडर कैसा हो? धनी भाई कैसा हो? 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 शेर साहब, डांस पे नहीं तनख्वाह पे भी तवज्जो देनी है। लगाओ नारा, हमारा लीडर कैसा हो? धनी भाई कैसा हो? हमारा लीडर कैसा हो? धनी भाई कैसा हो? भाई ये है मेरे प्यारे से अब्बा जी दिलबर। दिलबर? और तुम जानी? वाह 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 वाह, ये तो हो गया दिलबर जानी। वाह सही वाह। मैं बोल रही हूँ ना बच्चों, ये तो हम जानी की मदद करने के लिए कर रहे हैं। अरे बाबा वो तो सही है, लेकिन मैं इसके वालिद सही को धोखा नहीं दे सकता। बच्चों समझने की कोशिश करो, अभी ये हमारा खानदानी नौकर है, इसका भी तो कोई हक बनता है। अरे बाबा हक मेरे पैसों पे जताए ना। मेरी बीवी पे हक जता रहा है इसकी। अब जी वो शहर है ना, फैशन है यहाँ पे। ये शहर में भाई शहर आधा नंगा कर देता है। अच्छा ये बता पुत्र, हाल कैसे है तेरा? अब जी आपकी दुआएं चाहिए। बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। बहू का है? बहू? बहू है, चौकीदारनी थोड़ी जो गेट पे बैठी होगी। बच्चू के बच्चे अभी तक यही खड़े हो? अब्बा जी आए, ठंडा पानी लेके आओ, जाओ अंदर। चल चल। गुस्सा नहीं दिखा, गुस्सा नहीं दिखा, जाओ जाओ अंदर, जाओ। इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, बाबा सही ने आज तक एक रुपया नहीं दिया और जाने के अब्बा ने पूरे 1000 रुपए दिए मुझे मुंह दिखाई में। अरे असल में वो बाबा सही की ना नजर कमजोर है, उन्होंने आंख भर के आपको देखा ही नहीं होगा। असल में इसके अब्बा बड़े अमीर दौलतमंद आदमी थे, जुए में अपनी सारी रकम हार गए। ओए होए होए होए। उस सदमे से बेचारी पागल हो गई और इस तरह की बातें कर रही है। क्या ये घर तुम्हारा अपना ही है? नाचो भाई नाचो और नाचो। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा